मसाला रेसिपी। अगर आप रोस्ट का ग्रेवी वाला चिकन खाकर बोर हो गए हैं तो आप इसे ट्राई करिए। घर के मसाले ही इस्तेमाल कर आप बहुत ही टेस्टी एंड सॉफ्ट जूसी चिकन बना सकते हैं। आप इसे पराठा, नान या चावल में भी सर्व कर सकते हैं। चल निकल जाए और अच्छे से क्लीन हो जाए। लेग पीसेस में मैंने इस तरह से कट्स लगा लिया था ताकि हमारा मसाला चिकन के अंदर तक जाए और चिकन बहुत ही जूसी बने। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक नींबू का रस, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन में छोड़ देना है। चलिए जब तक हम बना लेंगे चिकन भुना मसाला की ग्रेवी। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप तेल। अब इसमें डालेंगे सूखे गरम मसाले, 10-12 काली मिर्च, 5 लौंग, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 इलायची। इन सबको हम तेल में ऐड कर लेंगे और तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, तेज़पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिया था। इसको फाइनली चॉप कर ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन चला जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। इस तरह से प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसे प्योरी बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है 1/2 टीस्पून नमक। आधा टीस्पून नमक हमने मैरिनेशन के टाइम पर भी इस्तेमाल किया था चिकन में। अब यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इसको अच्छे से भूनते रहिए। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सब मसालों को ऐड कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अभी तक हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर ले सारे मसालों के साथ। अब हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारा चिकन और ग्रेवी का टेम्परेचर एक हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ग्रेवी में से तेल अलग हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। 5 मिनट तक चिकन को हाई फ्लेम पर भूनते रहिए ताकि सारे मसाले चिकन के अंदर तक चला जाए और चिकन हमारा जूसी और टेस्टी बने। इसको ऐसे ही हल्के हाथों से मिलाते रहिए। चिकन हमारा आधा गल चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही को ऐड करते वक्त फ्लेम को लो कर दीजिए ताकि हमारा दही फटे ना। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पुदीना। पुदीने को ऐड करने से चिकन का टेस्ट और भी एनहांस होता है। अब चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा दही भी अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 कप पानी। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप पानी को स्किप कर दीजिए। ये जो रंग है ये और भी अच्छा हो जाता है जब हम इसको इस तरह से भुनकर बनाते हैं। अब हम इसको ढककर 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और 5 मिनट तक ढककर इसको लो फ्लेम पर पकाएं। 5 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर दें। तो यहाँ पर आपका हैदराबादी चिकन भुना मसाला बनकर तैयार है। चिकन बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और जूसी बना था। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब